Hello everyone, this is the second lecture of Financial Markets, Institutions and Financial Services. In the previous lecture, we have studied the evolution of financial system in India. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि भारत में वित्तीय प्रणाली की जो उद्गम है वो किस प्रकार हुई, और आज का जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम लोग पढ़ेंगे द ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब जो भारत का वित्तीय प्रणाली है उसका अवलोकन करेंगे तथा वित्त प्रणाली के जो घटक हैं वो क्या क्या है वो पढ़ेंगे. ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, भारत के वित्तीय प्रणाली का अवलोकन. तो नॉर्मली यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इंडिया में, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सिंपल मायने मीनिंग ये रखता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो सारा कुछ जो आप काम करेगा वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, एक तौर तरीके से नियम कानून के अनुसार उस हिसाब से होगा. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या हो गया, किसी भी चीज में, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए या फिर फाइनेंशियल सिस्टम में लीजिए. अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होगा, जहाँ पे कोई स्पेशल रूल्स रेगुलेशन या कुछ नियम अप्लाई नहीं होता है तो उसे हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं. तो इंडिया में कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले इंडिविजुअल मनी लेंडर्स आए थे, उनसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था हमारा इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम. तो फिर फेज आया चिट फंड का, फिर इंडिजिनियस बैंकर का, फिर कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम आया, फिर फॉलोड बाय जॉइंट स्टॉक बैंक्स, है ना. इस तरह से आगे बढ़ता गया और अभी के टाइम में बैंकिंग रेगुलेशन और लिबरलाइजेशन पॉलिसीज अप्लाई होते हैं, तो जिसकी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंड द फाइनेंशियल सिस्टम हैज बीन एक्सपेंडेड. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या क्या, जो प्रीवियस लेसन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वेरियस टाइप ऑफ इवोल्यूशन में अलग अलग टाइप का के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिनेंशियल स्टेप्स देखे हैं आपको, तो वो उसमें से कौन कौन ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं और कौन कौन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं वो चेक करते हैं. तो सबसे पहले द ऑर्गेनाइज फिनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग सब सिस्टम, है ना. ऑर्गेनाइज सिस्टम में कौन कौन आता है, देखिए बैंकिंग सिस्टम, बैंक का सिस्टम जो भी होगा पूरा ऑर्गेनाइज वे में होगा, ठीक है. फिर कोऑपरेटिव सिस्टम, उसके बाद डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम जहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट बैंक हो सकता है, मनी मार्केट, है ना. मनी मार्केट को ओवरऑल आप कैपिटल मार्केट कहिए, है ना, जिसमें सारा कुछ हो जाएगा, मतलब सारा कुछ इन द सेंस मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सारा चीज आ जाएगा इसमें. तो ये मनी मार्केट हो जाएगा और फाइनेंशियल कंपनीज इंस्टीट्यूशन, ये सारे क्या है, ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम थे, ठीक है. और अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या आता है, विच आर रिलेटिवली लेस कंट्रोल, मतलब उन पे कंट्रोल कम होता है, जैसे कौन कौन, मनी लेंडर्स, इंडिजिनियस बैंकर जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वदेशी बैंकिंग, है ना, लेंडिंग पावर ब्रोकर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स वगैरह वगैरह, ये सारे किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं. मीन्स इनको जैसे इस सारा चीज को या तो आरबीआई रेगुलेट करेगी या सेबी रेगुलेट करेगी. इंडिया में ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल सिस्टम में कोई भी रेगुलेशन होता है या तो आरबीआई रेगुलेट करेगी या सेबी रेगुलेट करेगी, वो डिपेंड करता है किस टाइप का फाइनेंशियल सिस्टम है. ये सारी चीजें, ये आरबीआई या सेबी हो गया, ये इनको रेगुलेट नहीं करती है, ठीक है. फिर भी मॉनेटरी अथॉरिटीज के अंडर में आता है, जैसे टैक्स वगैरह ना, इन सब से ये लोग नहीं बच सकती है, लेकिन रेगुलेट नहीं करेगी इनको. इनको अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम को कौन रेगुलेट नहीं करेगी, जो भी हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो वो इनको रेगुलेट नहीं करे. रेगुलेट मीन्स व्हाट, चलाना, उनके देख रेख में चलना होता है, ठीक है. ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम और अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया में, इस प्रकार से है. आगे देखते हैं हम लोग फाइनेंशियल मार्केट, है ना. फाइनेंशियल मार्केट के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, जैसे मान लीजिए सब जब इंस्ट्रूमेंट बनेगा तो अब उसको डिपेंड देखना पड़ेगा कि जरूरत कहाँ है और ट्रांसफर
कहाँ करना है, ठीक है। व्हेन द बोरोवर फंड्स अप्रोचेस द फाइनेंशियल मार्केट टू रेज फंड्स, मेयर इशू ऑफ सिक्योरिटीज विल नॉट सफिस। मीन्स जिसको जरूरत है बोरो करना है पैसे फंड्स, वो फाइनेंशियल मार्केट में जाएगा फंड्स लेने के लिए, तो किस टाइप ऑफ सिक्योरिटी से वो करे, कहाँ से करे, एक प्लेस चाहिए है ना, वो डिपेंड करता है ना। देयर फॉर टू सर्व दिस पर्पस देयर शुड बी अ प्रॉपर चैनल, एक चैनल चाहिए जहाँ से फाइनेंशियल सिस्टम टू इंश्योर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का ट्रांसफर हो सके, एक वो प्लेस चाहिए। मार्केट तो बन गया, लेकिन मार्केट में भी दुकान तो होता है ना जी। अब मार्केट में दुकान होता तो ये सिंपल में ना कहा जाए कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का ये दुकान है जहां से आप परचेज सेल या ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कर सकते हैं, ठीक है। टू सर्व दिस पर्पस फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कम इन टू एग्जिस्टेंस, ओके। अब मार्केट है, आपको मार्केट में, मान लीजिए मार्केट में सारा चीज का प्रोडक्ट है, जनरल मार्केट के मार्केट बात करते हैं, सारा चीज का प्रोडक्ट है, लेकिन आपको सिर्फ शॉप में से आपको क्लोथ्स परचेज करना है, कपड़ा खरीदना है, तो आप कहाँ जाइएगा, कपड़ा वाले दुकान में जाइएगा, तो वो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जांपल अगर पुट करते हैं तो आपको आपको चाहिए फंड रेज करना, फंड रेज करना है, लेकिन कहाँ जाना पड़ेगा, जिस टाइप ऑफ फंड का आपका जरूरत है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, किस टाइप का है, वहां जाना पड़ेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ओवरऑल सर्विलियंस कौन करता है सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, आरबीआई है ना, आरबीआई ही देखती है। तो कुछ कुछ इंटरमीडियरीज है, जैसे देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया, अंडरराइटर्स हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कुछ रजिस्ट्रार्स हो गए, डिपोजिटरीज हो गए, कस्टडियंस हो गया है ना, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल एडवर्टाइजर्स, फाइनेंशियल इन कंसल्टेंट्स, प्राइमरी डीलर्स, सेटेलाइट डीलर्स, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज है जो फाइनेंशियल मार्केट से आपको लिंक कराएंगे। ये सिंपल कहें एक रास्ता है, एक पुल है जो आपको फाइनेंशियल मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, आपको आपका फंड्स का अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो भी, या फिर आपको फंड बोरो करना वही रिक्वायरमेंट हो गया, या फिर आपको फंड्स इन्वेस्ट करना है, आपके सेविंग्स को कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो भी ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है हमारे पास नेक्स्ट। एट प्रेजेंट द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज फॉलोज, है ना। इंडिया में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्या है, कमर्शियल बैंक, है ना, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक भी ये काम करती है, जैसे किसी को जरूरत होगा फंड्स का, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर के लोग हो या सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, कहीं किसी को भी जरूरत पड़ेगा नॉर्मल फंड्स का, या फिर वो अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट, आप हम लोग कहा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली अपना सेविंग्स को कहाँ रखना पसंद करती है, बैंक्स में। तो कमर्शियल बैंक हो जाएगा एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपना सेविंग्स को अलग अलग टाइप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, किसके थ्रू, कमर्शियल बैंक के थ्रू। या फिर अगर आपको ही आपको फंड चाहिए या कुछ भी रिकंस्ट्रक्शन के लिए या डेवलपमेंट के लिए, कुछ किसी भी काम के लिए, तो कहाँ से आप बोरो कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक से। मीन्स एक टाइप है, एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का एक टाइप है कमर्शियल बैंक। आज बोलते हैं ना, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैटर द नीड ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज फोस्टर द ग्रोथ ऑफ द कैपिटल मार्केट। ये मेनली किस पे फोकस करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करता है और साथ ही साथ ना इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करता है और साथ ही साथ कैपिटल मार्केट का ग्रोथ को भी आगे बढ़ाता है, ठीक है। The institutions provide rupee or foreign currency term loans for project finance, underwriting, direct subscription, lease financing and core working capital to the company. मतलब कंपनी का जो नीड्स हो गया, जैसे अगर प्रोजेक्ट फाइनेंस का जरूरत हो गया, अंडरराइटिंग करना शेयर्स वगैरह का, या डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन के लिए जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, फंड रिक्वायरमेंट होगा,
या लीज फाइनेंसिंग करना है, तो वो सारा कौन प्रोवाइड कर सकता है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें इसके अंदर एग्जांपल हो गया जैसे इनिशियली कौन कहाँ कब से स्टार्ट हुआ, IFCI है ना, इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फिर आपका ये सारा चीज है आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में। उसके बाद आता है इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज भी यहाँ पे काम करती है इंडिया में। द रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वाज टू ओवरकम और रिड्यूस वेरियस रिस्क वेरियस एंड हजार्स। पड़ जाता है बिजनेस एक्टिविटीज में, तो ये भी धीरे धीरे क्या हो गया, ये भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बन गया। इनिशियली तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में ये भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गया। जैसे रिस्क कवर करने के साथ साथ आपको रिटर्न भी प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनीज। तो दो तरफ के सॉरी दो तरह के इंश्योरेंस कंपनी होता है, एक क्या हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा हो जाएगा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जैसे LIC ऑफ इंडिया है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सारा किस में है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। और जनरल इंश्योरेंस कंपनी में जैसे आपका एग्जांपल हो गया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये सारा आपका क्या हो जाएगा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में। ओके उसके बाद हम लोगों का आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या हो जाएगा, जो बैंकिंग का काम ना करता हो, सिंपल माइंड कहा जाए, डिपॉजिटरी नहीं लेगा है ना, ये डिपॉजिट वगैरह काम नहीं करेगा, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। ये भी RBI है ना। तो कैपिटल मार्केट को जो भी रेगुलेट करता है वो क्या होता है, सेबी करता है, और मनी मार्केट जिसको कह सकते हैं या अदर फाइनेंशियल सेक्टर हो गया बाकी, वो कौन करेगा, रेगुलेट करेगा RBI। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में देखिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड हो गया, महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड हो गया, या मुथूट फाइनेंस लिमिटेड हो गया, ये सारा नॉन बैंकिंग कंपनीज है इंडिया में। ओके उसके बाद आते हैं हम लोग रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, मतलब कौन रेगुलेट करता है इंडिया में। मेनली दो ही दो का कमेटी बना था, वो कमेटी याद रखिएगा नरसिम्हम कमेटी, यहाँ पे लिखने में टाइम लग जाएगा लेकिन सुन लीजिए, नरसिम्हम कमेटी से ये बना था कौन, सेबी। ठीक है आगे पढ़ेंगे कि सेबी में रहता क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ओके तो आज का क्लास यहीं तक है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फंक्शंस क्या क्या है। देखें यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मीन्स बचा हुआ जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स का जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।